उपमंडल करसोग के चौरीधार पंचायत के शोक से ममले तक निर्माणाधीन सड़क में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां सड़क निर्माण में निकले हजारों टन मलबे को अवैध तरीके से लगते नाले में फेंका जा रहा है, जिसमें सिन्ना, ममला, नांच, तुंदर पेयजल योजना को नुकसान पहुंचा है। मलबे की वजह से पेयजल स्रोत दब गए हैं, जिस कारण गर्मियों में 5 से अधिक गांव में पेयजल संकट गहरा गया है, जिस कारण स्थानीय जनता खुद पेयजल स्रोतों से मलबा हटाने मौके पर पहुंची है। अवैध डंपिंग की वजह से हरे भरे पेड़ों को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी शिकायत लोगों ने वन विभाग सहित पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग से भी की है। यही नहीं, स्थानीय जनता पीडब्ल्यूडी को तुरंत प्रभाव से सड़क का निर्माण कार्य रोकने का अल्टीमेटम जारी कर चुकी है। इसके बाद भी अगर काम को नहीं रोका गया तो जनता न्याय के लिए कोर्ट जाएंगी। यही नहीं, लोगों की शिकायत पर वन विभाग ने रेंज ऑफिसर को मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। अगर सड़क निर्माण के दौरान मलबे की अवैध डंपिंग पाई जाती है तो पीडब्ल्यूडी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। नांच पंचायत के प्रधान हरि नारायण का कहना है कि अवैध डंपिंग की वजह से पेयजल सोर्स बंद हो रहे हैं। इस कारण एक सोर्स पहले ही मलबे की वजह से बंद हो गया है, इसलिए पीडब्ल्यूडी विभाग से आग्रह है कि सड़क का कार्य रोका जाए या फिर मलबे को डंपिंग साइट में फेंका जाए, नहीं तो इस मामले में जनता कोर्ट जाएगी। वन मंडल करसोग के डीएफओ वासु डोंगर का कहना है कि मामला ध्यान में आया है, इस बारे में रेंज ऑफिसर को तुरंत मौके पर जाकर कार्यवाही करने के आदेश दिए गए। पीडब्ल्यूडी करसोग डिवीजन के अधिशासी अभियंता अरविंद भारद्वाज का कहना है कि एसडीओ से इस बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने कहा कि मलबा फेंकने के लिए पहले ही डंपिंग साइट चिन्हित की गई थी। जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता अशोक भूपल का कहना है कि एसडीओ को मौके पर भेजा गया है। अगर पेयजल योजना को अधिक नुकसान होगा तो इस मामले में नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि मलबे में दबे एक सोर्स को रिस्टोर किया गया है। प्रधान ग्राम आज जो ये समस्या यहाँ आई है, ये आईपीएच के पानी के विषय में जो हमारा सोर्स है यहाँ पर पीछे पीडब्ल्यूडी का जो काम चला हुआ है, इससे ये सोर्स खराब हो रहा है, बंद पड़ रहा है, तो इससे हमारे 3 गांव 4-5 गांव जो है हमारे प्यासे हो जाएंगे पानी के बगैर। इसलिए मैं विभाग से प्रार्थना करता हूं कि विभाग इस चीज़ को देखे। कल दिन अगर हमारा ये पानी बंद हो गया, आज एक सोर्स हमारा सूख गया है इसी की वजह से, जो इसमें पत्थर गिरे हैं, मलबा गिरा है नीचे, उस एक सोर्स नांज का बंद हो गया है। तो मैं आईपीएस से पीडब्ल्यूडी विभाग से दोनों विभागों से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो उनको ये भी आदेश करता हूँ कि भाई ये आप या तो काम रोक दें या इसकी डंपिंग साइड करें। ऐसा नहीं है कि चलो काम करो, सड़क के लिए हम नहीं ना करते, लेकिन आप इसको खराब मत कीजिए। जो हमारा पानी का सोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से पानी उपलब्ध कराएंगे लोगों को। इसलिए ऐसा है कि विभाग जो है इसमें सतर्कता से काम करे, अन्यथा हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट से कार्रवाई करनी पड़ेगी और फिर हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा, हम कार्रवाई कर देंगे। और आज ही ये काम बंद होना चाहिए, आज ही इसके ऊपर संज्ञान होना चाहिए और कल से फिर हम फिर नहीं बख्शेंगे। कि सरकार से निवेदन है कि सरकार इसमें संज्ञान ले, जो आईपीएच विभाग है उनको सख्ती से इस तरह के निर्देश जो है वो किए जाएं कि ये पानी के जो स्रोत हैं कम से कम ठीक ढंग से उनकी व्यवस्था हो, उसमें फिल्ट्रेशन की व्यवस्था हो, फिल्टर टैंक बनने जरूर चाहिए। यहाँ भी बने हुए हैं, बहुत दुख की बात है कि इतने सारे फिल्टर टैंक बने हुए मगर खाली पड़े हुए हैं, जर्जर हालात में हैं। इस खड्ड में लगभग 5-6 हम लोग ऐसे फिल्टर टैंक देख रहे हैं जो कि पूरे खाली पड़े हुए हैं और यहाँ कोई भी विभाग का जो उच्च अधिकारी है वो मुझे नहीं लगता कि आते होंगे। अगर आते हैं तो फिर ये सब हालात क्यों है इस तरह की। तो इसलिए मैं एक बार पुनः सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस पर सख्ती से संज्ञान लिया जाए ताकि जो 3-4 गांव के लगभग 5,000 जो लोग हैं वो साफ पानी उनको मुहैया हो। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए करसोग से धर्मवीर गौतम की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव,
मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goelmotor.com पर।